देखिए इस वक्त खड़े हैं हम पटियाला जुकपुर रोड पे, जहाँ 32 किसान जथेबंदी के तहत जहाँ एक कॉल दी गई थी कि भारत बंद रहेगा, वहीं मेरे साथ हैं किसान मोर्चे के, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो आज किसान मोर्चे की तरफ से कॉल दी गई थी भारत बंद के लिए, आज जीरकपुर में कैसा देखने को मिल रहा है? जीरकपुर में किसान मोर्चा प्रधान तलोचन सिंह पिंड पवास किसान यूनियन सिद्धूपुर एकता वालों बोल रहे हैं, साडा भारत बंद का सदा बिल्कुल सफल है। तुहाडे सामने देख लो कितने कट किन्ना कट हैगा, इतने सारी कोई जरूरी सेवा सी खुलियां छड़ियां हुई हैं, जिस तरह की एम्बूलेंस किसी का पेपर है बच्चे दो मिलिट्री वाले आर्मी वाले सारे छड़े हुए। जैसे भारत बंद का ऐलान किया गया था, पहले भी किया गया, अब की बार किया गया, अब की बार ये कि जो एमरजेंसी है उन्हें भी दिया जा रहा है, और सामने जो जिन लोगों की परीक्षा हो रही है, जिनकी हम कहें कि जिन्होंने जाना बाहर, उनकी भी सुविधा दी जा रही है। सिर्फ एमरजेंसी जिस तरह एम्बूलेंस हुई, किसी का पेपर है बच्चे का आर्मी वाले आर्मी वाले कोई नहीं, दुध की सेवा सब खुलियां छड़िया हुई हैं, इन्होंने वास्ते सब छूट है, इन्होंने वास्ते कोई रोका जाए, जैसा कोई डॉक्टर है वो भी अपनी ड्यूटियां जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। कैसा देखते हो कि जैसे अगर बात करें तो 10 महीने बीत चुके हैं, 600 से बढ़कर शहादतें हो चुकी हैं किसानों की, लेकिन अभी क्या आपको लगता है कि भारत बंद से जो कॉल दी गई है, क्या उससे सरकार को कुछ सुनेगा? सरकार तो पहले ही नहीं पड़ी है, अभी अमरीका में जाके राष्ट्रपति उसका देख लो वहाँ पर क्या हाल हुआ, प्रधानमंत्री का न्यूज चैनल जो बौद्धी भक्त का चैनल है वो तो दिखाते नहीं है, ना उन्होंने दिखाना है जो बुरा हाल इसका अमेरिका में हुआ। शायद सबसे मेरा जो गंदा प्रधानमंत्री इस टाइम बना है प्रधानमंत्री मोदी है, इससे माड़ा कोई प्रधानमंत्री ना कोई आया ना कोई आएगा। दिल्ली की जब बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो शुरुआत हुई थी दिल्ली पर, वहाँ भी लंगर लगाया गया, आज देखने को मिल रहा है कि आज जीरकपुर में खड़े हैं, जीरकपुर में आज लंगर लगाया गया, किसकी तरफ से ये लंगर लगाया, किसकी तरफ से ये सेवा हो रही है? ये सेवा काका ढाबा है तो साढ़े 3 नंबर वार्ड के MC है नवी जी, उन्होंने बोलो लंगर सेवा की जाती है, काका ढाबे वाली पूरी टीम इतने सेवा कर रही है, लंगर तो बाबे नानक का चलता रहा, बाबे नाने लंगर चलाया उदा अज तक ना कि खत्म होया ना खत्म होना, दुनिया खत्म हो जाएगी पर साडा लंगर नहीं खत्म होता। अगर अगर अभी भी सरकार बातें नहीं मानेगी तो आने वाले समय में क्या किया जाएगा? जब तक साडा तीनों कानून आदमी के साडा यही तरह मोर्चा चलता रहूगा, और मोदी के खुडा च पानी पैन वाला, मोदी ने बाहर निकलना और जिन्ना मर्जी चूहा खड्ड के बढ़ना पानी पाते बाहर निकलना, इन्हें निकलना हूँ। आपको क्या लगता है कि सरकार के मान जाएगी? कोई नहीं, जदों मन गई उदों उठ के घर बग जाएंगे, जदों मनूगी उदों बग जाएंगे, 2 साल 4 10 चेर घोटे ले बैठे उदू बाद जावे घर। बाकी सरकार मानेगी तब जाने नहीं मन जू नहीं मनूगी मना देंगे, जो मन जू उदों घर बग जाएंगे, जिन्ना चेर उन्हें जिदा मैं करी जाने आपकी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम थे जीरकपुर में, जहां एक तरफ तो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, दिल्ली में श्रद्धाओं पर लगातार किसान आंदोलन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जीरकपुर में जहां किसानों की तरफ से लंगर लगाया गया है उन मजदूरों के लिए जो जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वहीं आप देख सकते हैं यहां जो जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा उनको लगातार लंगर लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जीरकपुर में इस वक्त खड़े हैं जहां एक सेवा भी की जा रही है, जहां एक तरफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है दूसरी तरफ सेवा भी लगातार की जा रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या आने वाले समय में जो सरकार इनकी बातें मानेगी या नहीं। मैं हूं अभिषेक मेहरा, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।